Hello everyone, this is Fancy from evithyati.in and coming to question number 2, exercise 14.1. So in this question we have factorize the following expressions. So ab yahan pe jo hame expressions given hai, hame ise factorize karna hai. So for that, pehle hum isko expand karke likhenge. Expand kis tarah se karenge? Ke iske factors kya kya hai. Sabse pehle hai 7x. So 7x means 7 into x, right? Minus 42. अब 42 के फैक्टर्स क्या होंगे, उसके लिए हम इसको प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं. 2 से स्टार्ट करेंगे, हमारे पास आएगा 2, देन 1, अगेन 3 से कर सकते हैं, आएगा 7, 7 एंड 1. सो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 3 इंटू 7. ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए. अब हमें देखना है इस पूरे में से क्या क्या कॉमन है, मतलब एक इस साइड में से और एक इस ब्रैकेट में से. So, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है. सो जो कॉमन होता है उसको हम लिख लेते हैं बाहर, देन अंदर ब्रैकेट के जो बाकी इसमें से बचते हैं हम वो लिखेंगे. जैसे 7 इंटू एक्स में से 7 बाहर चला गया, यहाँ क्या बचा, एक्स माइनस. नाउ 2 इंटू 3 इंटू 7, इसमें से सिर्फ 7 बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 3, राइट. सो ये आ गया 7 एक्स माइनस 2 इंटू 3 इज 6. सो ये आ जाएगा 7 इन ब्रैकेट x माइनस 6. इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं. मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, अब इसमें भी सेम चीज करेंगे. 6 भी है तो आई कैन राइट इट एज 6, को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 एंड साथ में p. सो 2 इंटू 3 इंटू p माइनस 12p को कैसे लिखेंगे. नाउ 12 को एक तो ऑप्शन है कि आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, या फिर 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, राइट. 6 टू जा 12, और आगे 6 को हम एक्सपैंड कर सकते हैं 2 और 3 में. सो 2, 2 एंड 3, ये तीन इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 और साथ में क्यू है, ठीक है. नाउ अब हमें देखना है कि इसमें से क्या कॉमन है. 2 कॉमन है दोनों में है, सो 2 बाहर आ गया, एंड 3 दोनों में कॉमन है, सो इंटू 3 बाहर आ गया. अब देखते हैं क्या क्या बचा है. सो इसमें से 2 चला गया, 3 चला गया, बचा p. सो ये आ गया p माइनस, इसमें से एक 2 गया है, एक 2 बचा, एंड एक हमारे पास q बचा, लाइक दिस. सो दिस इज 2 इंटू 3 6 एंड इन ब्रैकेट p माइनस 2q. सो द आंसर इज 6 इन ब्रैकेट p माइनस 2q. ओके, सो दिस वाज पार्ट नंबर. कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास है 7a स्क्वायर प्लस 14a. सो 7a स्क्वायर को 7 को हम लिख सकते हैं 7 ओनली, मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर, मतलब a इंटू a, बिकॉज a स्क्वायर का मतलब 2 बार a है. सो दिस वन प्लस, अब 14a है, 14 को आई कैन राइट इट एज 7 इंटू 2, बिकॉज 7 टू जा 14, और साथ में a है. अब हमें देखना है इनमें से कॉमन क्या है. सो 7 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो 7 कॉमन आ गया, साथ में a यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो साथ में 7 a कॉमन हो गया. ओके, अब हमें देखना है आप क्या क्या बच गया. यहाँ से 7 चला गया, a चला गया, एक a बचा, प्लस सो यहाँ से 7 चला गया, a चला गया, हमारे पास बचा 2. सो दिस मीन 7a, a प्लस 2 इज द आंसर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, माइनस 16z प्लस 20z क्यूब. अगेन इसको एक्सपांड करके लिखते हैं. सो हमारे पास आएगा माइनस 16z को हम लिख सकते हैं. सबसे पहले तो माइनस के लिए लिखते हैं माइनस 1. 16 को अगर हम एक्सपैंड करें, एक तो ऑप्शन है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, अदरवाइज 16 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 4, राइट. 4 फोर जा 16. अब 4 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2, एंड इस 4 को भी आप लिख सकते हो 2 इंटू 2. सो मीन्स अगर मैं 4 बार 2 लिखूं तो वो 16 होगा. सो जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे, सो वी राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. अब ये हो गया 16, साथ में इसके है z, सो इंटू z प्लस
20 को अगर एक्सपैंड करना है, सो अगेन आप ऐसे ही कर सकते हो, 20 को 2 इंटू 10 कर सकते हो, या फिर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो. सो इसमें हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं. 2 से स्टार्ट किया, 1, 0, देन 2, 5, 5 एंड 1, राइट. सो ये हमारे पास आ गए 2, 2 एंड 5. सो इसके फैक्टर्स हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5, एंड साथ में है जेड क्यूब. जेड क्यूब मतलब जेड 3 बार. सो 1, 2, 3. ओके, अब देखना है हमें इन दोनों में से क्या कॉमन है. सो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, एक 2 कॉमन हो गया. देन अगेन यहाँ पे भी 2 एक और बार है, यहाँ पे भी, सो एक और 2 कॉमन हो गया. इसके अलावा हमारे पास z है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सो एक z कॉमन हो गया. सो ये 3 चीजें हैं जो दोनों में है. इसके अलावा आप देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बचा. सो अगर हमने इसमें से 2 ले लिया, 2 ले लिया और z ले लिया, तो हमारे पास बचा -1 इंटू 2 इंटू 2, राइट. नाउ प्लस यहां से 2 चला गया, 2 बाहर चला गया, अब हमारे पास बचा 5 इंटू जेड इंटू जेड. यहाँ पे 3 जेड थे जिसमें से एक से बाहर चला गया, तो हमारे पास बचे 2 जेड. सो नाउ 2 इंटू 2 इज 4 इंटू जेड, दैट इज 4 जेड. इसके बाद -1 इंटू 2 टू जा 4, सो 4 इंटू -1 इज -4, देन प्लस 5 इंटू जेड इज 5 जेड इंटू जेड, तो दो बार जेड हो गया, दैट इज जेड स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 5 जेड स्क्वायर. सो दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास है 5x स्क्वायर y माइनस 15xy स्क्वायर. सो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू एक्स स्क्वायर इज दो बार x इंटू y. उसके बाद माइनस 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3, बिकॉज 5 3 इज 15. साथ में x मल्टीप्लाई हो रहा है और y दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट. देन अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है. सो 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो 5 कॉमन आ गया. इंटू एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो एक्स कॉमन आ गया. इंटू वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो वाई भी कॉमन आ गया. अब देखते हैं जो टर्म्स बची हैं. सो यहाँ पे हमारे पास 5 चला गया कॉमन, एक्स चला गया, वाई चला गया, एक एक्स हमारे पास बचा है. माइनस यहाँ पे हमारे पास बचा है 3 और वाई. सो नाउ 5 इंटू एक्स इंटू वाई इज 5 एक्स वाई, एंड दिस विल बी एक्स माइनस 3 इंटू वाई इज 3 वाई. सो दिस इज द आंसर. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, अब हमारे पास है 10 ए स्क्वायर माइनस 15 बी स्क्वायर प्लस 20 सी स्क्वायर. सो नाउ 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, एंड साथ में है ए स्क्वायर, दैट इज ए इंटू ए. देन माइनस 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 5 3 इज 15, सो वी कैन राइट इट एज 3 इंटू 5, एंड साथ में है बी स्क्वायर, मतलब बी इंटू बी. उसके बाद है प्लस 20, 20 को आई कैन राइट इट एज 2 इंटू 10, और 10 को फिर एक्सपांड करके हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2, मतलब 2, 5 और 2, 20 के फैक्टर्स है. यही सेम आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो. सो वी राइट 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट. नाउ अब हमें साथ में इसकी है सी स्क्वायर. सो सी स्क्वायर का मतलब दो बार सी. अब हमें इसमें इसके कॉमन देखने कि कौन कौन सा फैक्टर कॉमन है. जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 है लेकिन वो इसमें नहीं है, इसमें है. सो तीनों में जो कॉमन होगा वो लिखना है. सो 5 यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, एंड यहाँ पे भी है, मीन्स 5 कॉमन है. इसके अलावा a है वो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है. सो दिस मीन्स ओनली 5 इज द कॉमन फैक्टर. सो अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या बचा. दिस इज यहाँ पे हमारे पास 2 बचा, a बचा, a बचा, देन माइनस इसमें से 5 गया, तो वी हैव 3 b एंड b.
उसके बाद प्लस इसमें से हमारे पास सिर्फ 5 किया, सो वी हैव 2 इंटू सी इंटू सी। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 5, 2 इंटू ए इज 2a, उसको a से करेंगे तो आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 3 इंटू बी इज 3b, एक और बार b से करेंगे तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर, देन प्लस 2 इंटू 2 इज 4, नाउ 4 इंटू सी इज 4c, एक और बार c से करेंगे तो ये आ जाएगा 4c स्क्वायर, सो दिस विल बी दी आंसर, दैट इज 5 देन इन ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर। ओके, नाउ लेट्स कम टू दी नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है माइनस 4a स्क्वायर प्लस 4ab एंड माइनस 4ac, सो इसके फैक्टर्स लिखते हैं। माइनस 4 को हम लिख सकते हैं माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2, बिकॉज 2 टूज आर 4 एंड माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 4, साथ में है a स्क्वायर, सो मतलब a इंटू a, उसके बाद प्लस 4ac, अगेन 4 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू a इंटू b, नाउ माइनस 4ac, सो 4 इज 2 इंटू 2 एंड ac इज a इंटू c, ठीक है। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या है, सो अगर इसके हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो 2 एक कॉमन फैक्टर है जो तीनों में है, सो 2 आ गया, देन यहाँ पे तीनों में दो बार 2 है, सो एक और बार हम 2 कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी 2। इसके बाद हमारे पास a है जो तीनों में है, सो इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो अब हम ब्रैकेट में वो फैक्टर्स लिखेंगे जो कि कॉमन नहीं थे, जैसे कि यहाँ पे माइनस 1, साथ में यहाँ पे a बचा, सो दिस विल बी, ये हमारा हो गया फर्स्ट ब्रैकेट का। देन नेक्स्ट ब्रैकेट पे चलते हैं, प्लस 2 कॉमन में चला गया, 2 कॉमन में चला गया, a कॉमन में चला गया, हमारे पास बचा b, देन माइनस के बाद 2 कॉमन में है, ये वाला 2 भी कॉमन में है, a भी कॉमन में है, हमारे पास बचा c, सो 2 टू 4 इंटू a 4a एंड यहाँ पे बचा माइनस 1 इंटू a इज माइनस a प्लस b एंड माइनस c, सो दिस इज द answer. Now let's come to the next part. Now coming to the next part. अब हमारे पास है x square y z plus x y square z plus x y z z square. So x square y z को we can write it as x into y into z. Then plus x y square z. So मतलब x into y square मतलब y into z, then plus इसको हम लिख सकते हैं x into y into z, right? So now अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या क्या है, सो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सो एक कॉमन हो गया x, then यहाँ पे 2x है लेकिन बाकी सब में एक एक x है, सो next आते हैं y पे जो कि तीनों में कॉमन है, सो y, then z, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो एक्स वाई जेड कॉमन आ गया। अब हमें देखना है बाकी ब्रैकेट्स में क्या क्या बचा है, सो x यहाँ पे सिर्फ x बचा है, प्लस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ y बचा है, प्लस इसमें हमारे पास सिर्फ z बचा है, सो नाउ x इंटू y इंटू z इज x y z एंड देन हमारे पास है x प्लस y प्लस z, सो दिस इज दी आंसर। नाउ लेट्स कम टू दी लास्ट पार्ट, दैट इज ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड, सो इसको अगर हम एक्सपैंड करें तो वी कैन राइट इट एज ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू x साथ में y प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर, सो b इंटू x इंटू y स्क्वायर के लिए y इंटू y प्लस c इंटू x इंटू y इंटू z। नाउ लेट्स सी इनमें कॉमन क्या है, अब a सिर्फ इसमें है बाकी किसी में भी नहीं है, x
यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, सो x कॉमन आ गया। देन इसमें दो बार x है लेकिन बाकी सब में सिर्फ एक बार है, सो उससे नेक्स्ट है वाई, जो यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सो मीन्स x और y कॉमन है। अब देखते हैं ब्रैकेट्स में क्या बचा। सो फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास बचा a इंटू एक्स, देन सेकेंड ब्रैकेट में हमारे पास है b इंटू वाई, एंड देन थर्ड ब्रैकेट में हमारे पास बचा c इंटू जेड। सो दिस मीन्स यहाँ पे बाहर आ गया x इंटू वाई एक्स वाई, एंड देन a इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस b इंटू वाई बी वाई, देन c इंटू जेड सी जेड। सो दिस मीन्स द आंसर इज एक्स वाई देन इन ब्रैकेट्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। So this was the last part of this question. Now it's come to the new question.